देखिए ऐसा है कि हम सब ने कल का एक इंसिडेंट सबके नोटिस में होगा कि कल हीरानगर की जुरिस्डिक्शन में हीरानगर में एक दिन को एक ज्वेलर की शॉप में चोरी करने की अटेम्प्ट की गई थी, जिसमें वहाँ के एक ज्वेलर हैं जिनका नाम है निर्दोष वर्मा। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि 5:30 के करीब उनकी दुकान में चार लोग आए, दो मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने वहाँ पे एक शार्प एज्ड वेपन दिखा के और पिस्टल दिखा के उनको डरा के वहाँ से उनकी 1.5 किलो चांदी ले गए हैं, दो बॉक्सेस में, और एक उनका सैमसंग का मोबाइल फ़ोन ले गए हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे एक FIR दर्ज की गई हीरानगर पुलिस स्टेशन में, और पुलिस की पार्टी जो जहाँ जहाँ पे थी वो मोबिलाइज की गई, तो वो चार अक्यूज में से दो अक्यूज को पकड़ा गया है, और उनकी बाद में जब शिनाख्त की गई तो उनमें से एक का नाम जो है वो इंद्रजीत सिंह है, एलियस प्रिंस, जिसकी उम्र 35 से 38 साल है। ये सन ऑफ गुरदीप सिंह है, RO बाजवाली कोठी मंज रोड अमृतसर का है, और दूसरा इसके साथ जो पकड़ा गया मुलजम है उसका नाम है विशाल सिंह, सन ऑफ सतनाम सिंह, RO वाल्मीकि मोहल्ला मजीठिया रोड अमृतसर। और इन दो लोगों से जो रिकवरीज हुई हैं, ये जो इंद्रजीत सिंह है इससे एक पिस्टल बरामद हुआ है, उसके चार लाइव राउंड्स भी बरामद हुए हैं, और विशाल सिंह से एक शार्प एज वेपन है जिसको टोका बोलते हैं, जिसकी लेंथ कम से कम कोई 15 से 16 इंच की है, वो रिकवर हुआ है, और जो कंप्लेनेंट का मोबाइल सैमसंग का ये चोरी करके ले गए थे वो भी रिकवर किया गया है। एक मोटरसाइकिल भी इसमें रिकवर किया गया इनसे, जिसके ऊपर ये सवार होके आए थे। दूसरा मोटरसाइकिल जिस पे दो अक्यूज थे वो भागने में कामयाब हुए हैं, और अमृतसर पुलिस के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली है, और जल्द ही हम अमृतसर पुलिस की मदद से इनको भी पकड़ लेंगे। ऐसा है कि जो CCTV वीडियो आपने भी देखा होगा उसमें सिर्फ दो वेपन्स को उन्होंने वहाँ पे दिखाया था, एक तो पिस्टल था और दूसरा शार्प एज वेपन था, उसके अलावा कोई भी उसमें वेपन नहीं, प्राइम एफ से नज़र नहीं आता। बहरहाल उनको पकड़ने के बाद इंटरोगेशन के बाद ये सामने चीज़ आएगी कि क्या उनके पास कोई वेपन थे या नहीं थे। सर बता पाएंगे इस नाम के किसी भी क्रिमिनल, इंटरस्टेट क्रिमिनल का नाम हमारे पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। बहरहाल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि इनकी नाम पे कुछ भी वहाँ पे भी मामले दर्ज हैं, और मुझे लगता है कि प्री प्लान नहीं था, क्या रीज़न था। लाइट बोल ना सीधी। क्या नहीं था, क्योंकि दुकान जो है हटके गांव में थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलेगा कि मोटिव क्या था और क्या पर्पस था वहाँ पे जाने का। सर क्या देखते हैं, क्वेश्चन को करेक्ट करना भी नहीं कोई, मुझे भी अभी एक साल से ज़्यादा का टाइम वहाँ पे हुआ है। रूरल एरिया में कुछ छोटी मोटी चोरियाँ हुई हैं, जिसमें मढ़ीन के एरिए में हुई थी वो हमने बरामद भी की थी, आपके शहर में कुछ ड्रग एडिक्ट्स ने कुछ चोरियाँ की थी वो भी हमने पकड़ी थी, राज शटर वाले की चोरी हुई थी उसको हमने 12 घंटे में बरामद किया था, वार्ड नंबर 6 से आपका एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था उसको हमने 5 घंटे के अंदर बरामद किया था। उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारी ईटेबल आइटम्स जो हैं कठुआ पुलिस स्टेशन के तहत जो थी वो हमने रिकवर भी की हैं। कुछ जो चोरियों का ये सीज़न रहता है, जैसे जम्मू सांबा कठुआ के कुछ रूरल एरियाज़ में और प्लेन एरियाज़ में फरवरी मार्च अप्रैल में चोरियों का सीज़न होता है, अगर आप पिछले 5-10 साल का पैटर्न स्टडी करेंगे उसमें हमारी जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग की जो SOPs हैं वो इन प्लेस हैं, और आने वाले टाइम में इस तरह के कहीं पे भी कोई वारदात होगी, कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, तो कठुआ पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। तो हीरानगर और SDPO बॉर्डर ने विज़िट भी किया हुआ है, इस एरिए को हमने पेट्रोलिंग में डाला हुआ है, और इसके अलावा भी जितने भी हाईवे के राइट लेफ्ट में जितनी भी एरियाज़ हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जहाँ पे इस तरह हाईवे की चोरियाँ नोटिस में आएंगी हमारे वहाँ पे, आपको मालूम होगा कि पिछले साल आपके यहीं पे दियालाचक में लैपटॉप की चोरी हुई थी वो भी हमने बरामद किए थे। पिछले दिनों हमने आपके साथ साझा किया था कि तीसरी कड़ी में हमने 25 मोबाइल फ़ोन जो मिसिंग हुए थे वो भी ट्रेस करके लोगों को रेस्टोर किए थे। सामान क्या
क्या है? देखिए ऐसा है कि अभी ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, और हम इतना ये ज़रूर कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे जो हैं। और मंदी के जो दो बॉक्सेस हैं, ऐसा लगता है कि वो दो लोग जो हैं वो लेके गए। सर हम देखते हैं हमारे साथ जो अडजॉइनिंग बॉर्डर्स है पंजाब, मोस्टली काफ़ी बहुत ज़्यादा स्नीकिंग पॉइंट्स है, क्या इन फ्यूचर में वहाँ पर कोई टाइटनिंग है? 10 से 12 पॉइंट्स है हमारे इंटरस्टेट के, जहाँ पे 24/7 नाकाज हैं, एक से लेके 1/4, 1/5 के डिप्लॉयमेंट वहाँ पे लगी है 24/7। आने वाले टाइम में हम उसको और स्ट्रेंथन करने की सोच रहे हैं, और रात के टाइम पेट्रोलिंग का और कुछ ऐसा सीवीज के ड्रेसेस में हम लोगों को रखने का सोच रहे हैं, जिससे इस तरह की जो चोरियाँ हैं ये नहीं हो सके। कुछ सामने आ पाया है? ज़ाहिर है कि वो बाई रोड ही आए हैं, बट ये चूंकि दुकान हट के गांव की साइड में थी, वहाँ कैसे पहुँचे वो इन्वेस्टिगेशन। सर ये एरिया का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ पे ऐसी कोई चोरी हो, दिन को हुई हो, रात को हुई हो, जो हमारे नॉलेज में तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट है। ये लोग वहाँ क्यों गए, कैसे गए, कहाँ से आए, ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।